गोल्डी बरार का। हालांकि इससे पहले भी वो कई बार सुर्खियों में रहा, यहां तक कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। हर आम नागरिक की तरह गोल्डी भी पढ़ने लिखने वाला था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। गोल्डी के कर्मों के बारे में जानेंगे तो यही कहेंगे कि अपराध की दुनिया में इसने छोड़ा ही क्या था। गोल्डी बरार की यह कहानी शुरू होती है पंजाब से। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का असली नाम सतिंदर जीत सिंह है। गोल्डी बराड़ पंजाब के मुक्तसर के आदेश नगर का रहने वाला है। बाद में गोल्डी बराड़ का परिवार फरीदकोट में शिफ्ट हुआ। पुलिस से मिली जानकारी कहती है गोल्डी ने कई अपराधों को अंजाम दिया। कॉलेज के दिनों से ही गोल्डी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। धीरे धीरे गोल्डी ने गैंगस्टर लॉरेंस का राइट हैंड बनने की सोची और हुआ भी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का असली नाम सतिंदर जीत सिंह है। गोल्डी बराड़ पंजाब के मुक्तसर का है। ऐसे में गोल्डी बराड़ का पूरा परिवार जब फरीदकोट शिफ्ट हुआ, उसी के बाद से कहा जाता है कि गोल्डी का झुकाव जरायम की दुनिया में हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों से ही गोल्डी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का फैन था। दरअसल गुरलाल और लॉरेंस ने साथ मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू नाम से एक संगठन बनाया था। अक्टूबर 2020 में गुरलाल की चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में हत्या हो गई। इस हत्या के बाद गोल्डी को बड़ा धक्का लगा। गोल्डी अपने भाई की हत्या, आपको बता दें गुरलाल गोल्डी का भाई था, गोल्डी अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था। बदला लेने के लिए गोल्डी लॉरेंस बिश्नोई के करीब आ गया। गुरलाल बराड़ की हत्या में यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल पहलवान का नाम सामने आया। गोल्डी ने गुरलाल पहलवान को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या के बाद गोल्डी कनाडा भागा। गोल्डी बराड़ ने कुछ महीनों पहले ही एक निजी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ ने दरअसल कहा था कि उसकी गैंग सलमान खान को जरूर मारेगी। इतना ही नहीं, वांटेड गैंगस्टर ने कहा कि जब भी मौका मिलेगा वो उसे मार देंगे। बराड़ ने कहा था कि उसे भाई साहब यानी लॉरेंस बिश्नोई ने बताया था कि उन्होंने यानी सलमान ने माफी नहीं मांगी है। बाबा दया सिर्फ तब दिखाते हैं जब कोई उस माफी के काबिल होता है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई ने भी एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि सलमान खान को मारना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। गोल्डी पिछले साल हुई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है। गोल्डी बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है। उसने रैपर हनी सिंह को भी जान से मारने की धमकी दी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।